तो हेलो गाइस, हम आज जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया। आज होटल टिकट निकाल लिया है, संडे है आज मॉर्निंग। तो दिखाते हैं आपको नाइट का क्या सीन रहता है। आज नाइट का वीडियो हम शूट करने वाले हैं और आप सबको दिखाने वाले हैं कि नाइट में क्या सीन रहता है वहाँ पे। तो बने रहेगा आप वीडियो के साथ से में। अभी लोकल स्लो पकड़ते हैं। आज संडे है। 54 मिनट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस खुला जाएगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, 3, 3, 4। तो हम पहले स्टेशन पे उतर गए हैं, अभी थाना स्टेशन है ये। तो हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, उनको भी यहाँ से पिकअप करना है। तो आपको बढ़िया सा एक वीडियो बना के देंगे आज, बहुत ही मज़ा आएगा। भाई ये क्या हो गया, अपनी कर दी यहाँ पे क्या कर रही। मैंने तो सोचा था संडे है आज, जल्दी हो जाएगा। ये तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है। यार ये इतने लोग जा कहाँ रहे, फिर भी समझ नहीं आ रहा। पहुंचे हैं CST स्टेशन, जहाँ पे आपको दिखाएंगे काफी अच्छा नंबर है। यहाँ पे शाम का वक्त है और ये CST स्टेशन है। तो यहाँ से अपनी बस जाएगी गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे रुके हैं अभी। तो ये बस आपको सामने ही नज़र आ जाएंगे। CST से स्टेशन के आप जैसे ही बाहर निकलोगे वेस्ट साइड में, ये गेटवे ऑफ इंडिया के रोड पे जाने वाली जो बस है, उस साइड जाने वाली बस जो है, ये दोनों बस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा लाइन में रुकना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुछ टिकट मिलता है अराउंड 6 रुपये पर पर्सन के, तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से टिकट निकालते हैं और जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। दूसरी बस आ गई। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बसेस जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिक ही रहते हैं सारे के सारे। जो इलेक्ट्रिक आएंगे वही बस लेना है आपको। यहाँ पे जैसे तो लाइन लगी हुई रहती है, आप समझ जाओगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को पूछ लीजिएगा, वो ज़रूर बता देंगे। मुंबई के लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, बता देते हैं वैसे तो रोड का। और ये स्टेशन जो है बहुत ही पुराना है और अभी तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको होश उड़ा देने वाला स्ट्रक्चर तो है ही। तो एक पर्सन का आपको 6 रुपये पर पर्सन का एक टिकट मिलेगा। तो टिकट निकालते हैं और आपको रास्ते का मज़ा कराते हैं इसका। और टिकट आ चुका है हमारे पास, तो अभी बस में जाते हैं और दिखाते हैं पूरा ट्रैवलिंग का मज़ा कराते हैं।
काफ़ी भीड़ है आज भी, आज संडे है तो आपको पूरा, हम बहुत ही लेट निकले हैं एक्चुअली, हमको नाइट में शूट करना था और आपको दिखाना था। तो ऐसी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो है आपको CST स्टेशन वेस्ट में मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बसेस ले सकते हो आराम से। तो अभी शाम के टाइम पे निकले हैं, आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे CST स्टेशन से, गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा आपको शेर दिखाएंगे। ये ऐसी कुछ बस है, बाहर भी बहुत सारी बसेस लगी हुई है और नज़ारा जो है भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा है। शाम के बज चुके हैं, 5-6 बज चुके हैं। ये रहा टिकट, हमने 3 लोगों का टिकट निकाला है, 18 रुपये का 3 लोगों का हो चुका है। मतलब घूमने का अगर रहेगा आपको तो इस बसेस में आप घूम सकते हो एफोर्डेबली। और अभी देखना जाए तो बहुत सारी ऐसी गर्दी रहती है वहाँ पे, तो हम सीधा अभी नाइट को जाने वाले हैं शूट के लिए, आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का और ताज होटल का। तो बने रहिएगा अपने इस वीडियो के। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया। शाम हो चुकी है और काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। और ये रहा ताज होटल के बाहर का नज़ारा, कुछ सिक्योरिटी वगैरह है तो ये है होटल। तो अभी शाम का वक्त है और हमको शाम के वक्त ही शूट करना था, तो आ गए हैं हम शाम के साइड। तो बहुत सारी गर्दी तो बहुत सारी है, लेकिन आपके लिए अभी वीडियो बनाने निकले हैं तो दिखाएंगे आपको पूरा नज़ारा। तो पहले हम जा रहे हैं, शेयरिंग ने उड़े मीत है ना। तो ये है भाई ताज होटल मुंबई की शाम, क्या लग रहा है भाई साहब। अभी तक इसकी खूबसूरती जो है ना बता नहीं सकते अभी वीडियो में। नाइट में बहुत ही अच्छा रहता है, तो आपको नाइट का भी नज़ारा दिखाएंगे। क्या लाइट लगा कर रखी है भाई साहब, ऐसा लग रहा है ना कि अलग ही, मतलब अलग ही लाइट लगा के रखी है ना लोगों ने, ऐसे अट्रैक्ट करता है लोगों को दूर से ही। अभी शाम का वक्त जो है वो नाइट में अब भी होने वाला है तब भी। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत ही लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए, तो बहुत ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मदर का
और यहाँ पानी में जहाज वगैरह जो है बोट जो है लगा के रखी है पार्किंग में, अगर आपको लेना है तो आप फेरी में भी जा सकते हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, शाम का वक्त है। ये देखिए आप पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हो अपने वीडियो में। ये गेटवे ऑफ इंडिया है सामने जो कलर में है, और उसके ठीक सामने जो है वो आपको होटल मिल जाएगी जो कि है मुंबई की शान ताज होटल। और ये बस जो जा रही है ये पूरा टूर करा के मुंबई का, तो आप केन्या और एयरपोर्ट ले सकते हैं। आपको केन्या और एयरपोर्ट जितनी हेरिटेज साइट जो है मुंबई में सब पे लेके जाती है ये बस। अब देख सकते हैं आपने फिल्मों में भी देखा होगा मुंबई फिल्म इलाके, वो उसके सामने ये कलर जो लगे हुए हैं अभी ताज होटल के पास। तो यहाँ ऐसे नॉर्मली हम चल रहे हैं बाहर, गर्दी होने के कारण अभी बहुत सारा टाइम भी बचा हुआ है ना, तो है ही, लेकिन आपके लिए वीडियो तो बनता ही है। शाम का टाइम हो गया है, रात होने वाली है, अभी हो चुकी है, शायद हो चुकी है, और गर्दी जो है वो भी कम ही हो रही है अभी। तो हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो रहता ही है। और ये चेक करो गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना वो रात में इतना खतरनाक चमकता है, उस पर लगी हुई लाइट जो है ना वो आप देख सकते हैं सामने, और उसके सामने ये ताज होटल क्या खूबसूरत है ना। मतलब आपको एक बार आगे चेक करना ही है, अगर आप सामने से देखोगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा इस चीज़ के। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बस आपको ये दिखाना था कि रात के समय ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया कैसे दिखते हैं, यही आपको दिखाना था। तो ऐसे ही वीडियो मैं ट्रैवल्स रिलेटेड बनाते रहता हूं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको और भी मज़ा लेना है तो आप आ सकते हो मुंबई की शान, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल। और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।